स्टूडेंट्स, दिस इज क्वेश्चन नंबर 39 फ्रॉम प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर सेशन 2022-23। इस क्वेश्चन में समझने से पहले हम दो टर्म समझेंगे, टेलीस्कोप और एबरेशन। तो टेलीस्कोप्स तो पता है आपको कि हमें बहुत दूर का जब देखना होता है तो हम टेलीस्कोप यूज करते हैं। एंगुलर मैग्निफिकेशन के लिए हम टेलीस्कोप यूज करते हैं। तो मेनली टू टाइप्स ऑफ टेलीस्कोप ब्रॉडली क्लासिफिकेशन है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एंड टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप्स। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप टर्म से ही समझ में आ रहा है कि जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स को व्यू करने के लिए, मून स्टार्स को व्यू करने के लिए हम यूज करते हैं, दे आर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स। और टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप्स क्या होते हैं, जो हम अर्थ पे ही जो दूर की चीजें हैं उनको देखने के लिए हम यूज करते हैं, मैग्निफिकेशन के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो टॉपिक है उसमें एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के दो टाइप्स दिए हुए हैं। पहला फिगर बना हुआ है रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, और इसमें काफी सारे ड्रॉबैक्स थे। वन ऑफ द ड्रॉबैक था क्रोमेटिक एबरेशन, उसकी वजह से बाद में इन्वेंट हुआ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। तो इन्हीं के बारे में हम समझते हैं। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में एक ऑब्जेक्टिव लेंस होता है जिसकी फोकल लेंथ बहुत ज्यादा होती है, इट हैज लार्ज फोकल लेंथ, और आईपीस होता है, आईपीस लेंस होता है, इसकी फोकल लेंथ बहुत कम होती है एज कंपेयर टू ऑब्जेक्टिव लेंस। एक एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज अगर ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ है 100 सेंटीमीटर, तो आईपीस लेंस की फोकल लेंथ 1 सेंटीमीटर, इतना ज्यादा डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ बहुत ज्यादा ली जाती है, और क्योंकि ये रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है मतलब यहां पर लेंसेज हम लगाएंगे, जैसा हमारा आई लेंस होता है कॉन्वेक्स लेंस, वैसे यहां पर लेंसेज लगाए हुए हैं कॉन्वेक्स लेंस, ये दूसरा कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो लाइट रेज को जो बहुत दूर से डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट से जो लाइट रेज आ रही है, उनको जब हम कॉन्वेक्स लेंस से पास करेंगे तो यहां पर कहीं फोकस पे इमेज फॉर्म होगी, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज फॉर्म होगी। इसको फर्दर हम इन लाइट रेज को फर्दर आईपीस से सेंड करेंगे, अपने आप जाएंगी, एक्चुअल में अपने आप वो जब लाइट रेज आईपीस से पास होंगी तो आपको मैग्निफाइड व्यू मिलेगा सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स का, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, लेकिन इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था क्रोमेटिक एबरेशन। अब एबरेशन भी दो टाइप के होते हैं, क्रोमेटिक एबरेशन एंड स्फेरिकल एबरेशन। अब क्रोमेटिक में भी फर्दर टाइप होता है, एक्सियल क्रोमेटिक एबरेशन और लेटरल क्रोमेटिक एबरेशन, ये हम बाद में पढ़ेंगे 12th क्लास में। अभी हमें समझना है सिर्फ क्रोमेटिक एबरेशन जो यहां पर दिया हुआ है। पहले एक बार ये स्टेटमेंट देख लें जो बुक में, जो पेपर में आपके दिया हुआ है। When light passes through a prism, different color split and dispersion takes place. ये आपने पढ़ा हुआ है, जब लाइट रे प्रिज्म से पास होती है तो ये स्प्लिट हो जाती है इनटू डिफरेंट कलर्स, और अगर सामने स्क्रीन रख दें तो यू विल गेट बैंड ऑफ 7 कलर्स, जब व्हाइट लाइट हम सेंड करते हैं तो। ठीक है, तो डिस्पर्शन होता है, व्हाइट लाइट स्प्लिट होती है। द सेम थिंग हैपन्स विद अ लेंस बट टू अ मच लेसर डिग्री। लेंस में भी स्प्लिटिंग होगी, अगर हमने व्हाइट लाइट सेंड की है डिस्पर्शन होगा, बट टू अ मच लेसर एक्सटेंट। आपकी टेक्स्ट बुक में हमने ऐसा नहीं पढ़ा, हमने सिर्फ ये पढ़ा है कि लेंस से लाइट रे आती है और उसमें रिफ्रैक्शन हो जाता है। ठीक है, तो ये जो लाइट रे जब पास होती है लेंस से, प्रिज्म से, तो डिस्पर्शन होता है, क्रोमेटिक एबरेशन लेंस में जब होता है तो क्रोमेटिक एबरेशन हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, क्रोमेटिक एबरेशन मतलब क्या होता है, इट इज अ फिनोमेना विच कॉजेज डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट टू फोकस एट डिफरेंट पॉइंट्स। क्योंकि व्हाइट लाइट में जो 7 कलर्स हैं सबकी वेवलेंथ अलग है, तो वो अलग अलग पॉइंट पे फोकस होंगे। ठीक है, तो यही है क्रोमेटिक एबरेशन। इसकी अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो एक और डेफिनेशन मिलेगी, क्रोमेटिक एबरेशन इज ऑल्सो नोन एज कलर फ्रिंजिंग। क्रोमेटिक एबरेशन एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कलर डिफेक्ट, तो कलर फ्रिंजिंग भी बोला जाता है इसको, अगर आप इसको समझें गूगल की डेफिनेशन से। इट इज अ कलर डिस्टॉर्शन दैट क्रिएट्स एन आउटलाइन ऑफ अनवांटेड कलर अलोंग द एजेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन अ फोटोग्राफ। कभी आपने देखा हो फोटोग्राफ में अनवांटेड आउटलाइन भी आपको कभी कभी ऐसा होता है, अनवांटेड आउटलाइन, कलर्स की अनवांटेड आउटलाइन दिखाई देती है, दैट इज नोन एज कलर फ्रिंजिंग या क्रोमेटिक एबरेशन। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो हो गई जो आपको गीवन है वो सब मैंने लिख दिया है, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट है, व्हाई इज देयर नो क्रोमेटिक एबरेशन इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स। अब देखिए, क्रोमेटिक एबरेशन कब होगा, जब लेंस होगा या प्रिज्म होगा, जब रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, और यहां पे बात हो रही है रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप की। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में तो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन तो होगा ही नहीं, तो जब रिफ्रैक्शन ही नहीं होगा तो क्रोमेटिक एबरेशन भी नहीं होगा। ठीक है, पहले एक बार रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप और समझ लीजिए। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में प्राइमरी मिरर होता है,
जब ऑब्जेक्ट्स बहुत जो बहुत दूर ऑब्जेक्ट्स हैं एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स, उनसे जब लाइट आती है तो प्राइमरी मिरर से रिफ्लेक्ट होके सेकेंडरी मिरर पे आएगी और सेकेंडरी मिरर से रिफ्लेक्ट होके फिर से ये इमेज फॉर्मेशन हो गई। ठीक है, लाइट रे ऐसा ही इंसिडेंट लाइट रेज इस तरह से जब दूर से आती तो हम पैरेलल लाइट रेज शो करते हैं। मिरर है इसलिए रिफ्लेक्शन हुआ, ये रिफ्लेक्शन और यहाँ पर रिफ्लेक्शन। इसके बाद फिर से यहां पर हमने एक और मिरर लगाया, यहां पर हमने लगाया कॉनकेव मिरर। प्राइमरी मिरर इज कॉनकेव मिरर और सेकेंडरी मिरर इज कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो लाइट रेज अब इससे रिफ्लेक्ट होके जाएंगी तो यहां पर इमेज फॉर्मेशन होगा और आपको एंगुलर मैग्निफिकेशन मिल जाएगा एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो यहां पर रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो ही नहीं रहा इसलिए क्रोमेटिक एबरेशन होगा ही नहीं। क्लियर, इसको प्रॉपर मैंने आंसर फ्रेम करके यहां दे दिया है। व्हाई इज देयर नो क्रोमेटिक एबरेशन इन रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप? क्योंकि रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है तो मीडियम चेंज नहीं होगा, रिफ्लेक्शन में मीडियम चेंज नहीं होता, एक ही मीडियम में लाइट रे जब ट्रेवल होती है बेंड होती है स्ट्राइक होके बेंड हो जाती है दैट इज रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन है एज लाइट इज नॉट ट्रेवलिंग इन फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, तो रिफ्लेक्शन हुआ है और रिफ्लेक्शन हुआ है तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं हुआ इसलिए कोई क्रोमेटिक एबरेशन नहीं होगा। मूविंग टू सेकेंड पार्ट करने से पहले एक बार मैं फिर से थोड़ा सा इसको बता देती हूँ। नॉर्मली हम जैसे बनाते हैं तो ये आपका लेंस हो गया और लाइट रे ऐसे जा रही है और ये फोकस से पास हो गई। अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लाइट रे होती है तो इट पासेस थ्रू फोकस, ऐसा हमने पढ़ा है, राइट? अब अगर यहाँ पर क्रोमेटिक एबरेशन की बात हम करें तो इस लेंस में जो व्हाइट लाइट है, अगर हमने व्हाइट लाइट सेंड की जिसमें सेवन कलर्स हैं, तो वो जो सेवन कलर्स हैं वो सब एक ही पॉइंट पे फोकस नहीं होंगे, दे विल फोकस एट डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, तो यही यहाँ पर ऐसे लाइट रे जाने के बाद हो सकता है कि वो अलग अलग पॉइंट्स पे फोकस हो जाए और आपको बहुत सारे ये अलग अलग पॉइंट्स पे फोकस हो जाएगी, इसी को बोलते हैं क्रोमेटिक एबरेशन। अब क्लियर हो गया अच्छे से, चलिए सेकेंड पार्ट। वन ऑफ द क्रिटिकल फैक्टर्स अफेक्टिंग अ टेलीस्कोप इज द अमाउंट ऑफ लाइट इट कैन गैदर। The more light a telescope can gather, the better the images it produces. What can be done to the lens to increase the amount of light a telescope gathers? Telescope ज़्यादा से ज़्यादा light ले सके, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो ये तो बहुत ही simple सी बात है, हमें lens की size को बड़ा कर देना चाहिए। अगर lens की size बड़ी कर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा light आ सकती है। ठीक है, तो यही है इसका answer, to increase the size of लेंस। साइज ऑफ लेंस को हम अपार्चर भी बोल सकते हैं, तो हम अपार्चर को इंक्रीज कर दें, लेंस के साइज को इंक्रीज कर दें तो ज्यादा से ज्यादा लाइट गैदर हो सकती है। डायमीटर ज्यादा ऐसा भी बोल सकते हैं, अपार्चर ज्यादा या लेंस का, ये अपार्चर ज्यादा या लेंस का डायमीटर ज्यादा, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। लेंस टेलीस्कोप कब अच्छा होगा? जब वो ज्यादा से ज्यादा लाइट गैदर कर सके और जब उसकी रिजोल्यूशन पावर अच्छी हो। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ लाइट की बात हो रही है, तो लाइट अच्छी लाइट ज्यादा से ज्यादा कैसे गैदर कर सकते हो? जब उसका डायमीटर ज्यादा हो, अपर्चर ज्यादा या साइज ज्यादा हो। मूविंग टू सी पार्ट, इन द रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप गिवन इन द पैसेज व्हाट शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज। तो ऊपर वाला रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है और नीचे वाला रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप है। यहां पर देखिए फोकल लेंथ निकालते हैं पहले, डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज, एक ऑब्जेक्टिव लेंस दूसरा आई लेंस आई पीस लेंस, इन दोनों के बीच का कितना डिस्टेंस है? तो यहां पर हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ, यहाँ पर कोई हमें सेंटीमीटर मीटर में नहीं दिया हुआ, यहाँ पर आपको कोई वैल्यू भी नहीं दी हुई है। तो हम क्या करें, हम लॉजिक लगाते हैं। अगर लाइट रेस इंसिडेंट हो रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन दे कन्वर्ज एट फोकस। ठीक है, तो यहां से यहां तक क्या हो गया, फोकल लेंथ। तो ये आई ऑब्जेक्टिव लेंस की है तो इसलिए मैं एफ ओ ले रही हूं, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, दिस इज फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो यहां पे जो आंसर होगा डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज, एक तो हो गया एफ ओ, या बोल सकते हो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, प्लस में क्या करें जो रिक्वायर्ड डिस्टेंस है प्लस। यहां से देखिए अगर लाइट रे फोकस से निकलती है और आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाती है, इसका मतलब ये पॉइंट फोकस ही हुआ ना, फोकस से निकलती है तभी तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी आफ्टर रिफ्रैक्शन। अगर लाइट रे फोकस से इंसिडेंट होती है देन आफ्टर रिफ्रैक्शन इट गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस,
इसका मतलब ये फोकस है, आई पीस लेंस का फोकस है, ठीक है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस एफ ई ई फॉर आई पीस, ठीक है। तो यहां से यहां तक एफ ई दैट मीन्स फोकल लेंथ ऑफ आई पीस लेंस। सो दिस इज द रिक्वायर्ड डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज। आप चाहे तो एफ वन और एफ टू भी दे सकते हैं। मैंने ओ लिख दिया ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए सबस्क्रिप्ट में और ई लिख दिया आई पीस लेंस के लिए। क्लियर। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट डी, द लाइट दैट रीचेज द टेलीस्कोप्स कम फ्रॉम वेरी फार अवे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो टेलीस्कोप की बात हो गई। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट फ्रॉम अ फार अवे ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा आपके टेक्स्ट बुक का टाइप का पार्ट है। हमें बताना है जब लाइट फार अवे ऑब्जेक्ट से लेंस पे आती है तो क्या होगा। फार अवे ऑब्जेक्ट से जब लाइट रे आती है तो इंसिडेंट रेज फॉर्म पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेते हैं, और क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग, मैंने कॉन्वेक्स लेंस बनाया, दोनों बनाएंगे एक एक करके। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होता है, इट कन्वर्जेस लाइट रेज एट फोकस, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्शन के बाद लाइट रे फोकस पे आ गई। ऐसे ही अब हम कॉनकेव लेंस का बना लेते हैं। चलिए मैंने कॉनकेव लेंस बना दिया है। कॉनकेव लेंस में अगर फार ऑफ ऑब्जेक्ट है, बहुत दूर पे है, तो लाइट रेज क्या होंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी। कॉनकेव लेंस डाइवर्जिंग लेंस होता है, डाइवर्जेस लाइट रेज, और उन लाइट रेज को अगर बैकवर्ड पास करोगे तो ऐसा लगेगा कि वो फोकस से निकल रही है, ठीक है। तो ये डाइवर्ज कर देते हैं हम लाइट रेज को। लाइट रे ऐसे जाके और डाइवर्ज हो गई, इधर भी लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जाके डाइवर्ज हो गई। अगर हमने उनको बैकवर्ड एक्सटेंड किया तो ऐसा लगेगा कि दे अपीयर टू पास, दे अपीयर टू इमर्ज या पास थ्रू फोकस। इसी में डी पार्ट में दूसरा ऑप्शन है, उसमें मिरर के बारे में बोला गया है। द लाइट दैट रीचेज द टेलीस्कोप्स कम फ्रॉम वेरी फार अवे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स। ड्रॉ अ रे डायग्राम टू शो व्हाट हैपेंस व्हेन लाइट फ्रॉम फार अवे ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन अ कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर। तो एक एक करके बना लेते हैं। कॉन्वेक्स मिरर पे लाइट रे बहुत दूर से अगर आएगी, इनफाइनाइट डिस्टेंस है, अगर ऑब्जेक्ट बहुत बहुत दूर है, तो क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर होता है डाइवर्जिंग, ये लाइट रेज को डाइवर्ज कर देगा, रिफ्लेक्ट करेगा डाइवर्ज करते हुए, ठीक है। अगर हम लाइंस को बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो फोकस से निकल रही है। तो ये लाइट रे एक्चुअल में इंसिडेंट रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज हो गई, अगर उसको बैकवर्ड एक्सटेंड किया तो ऐसा लगेगा कि फोकस से निकल रही है लाइट रे। सेम ऐसे इधर भी पेंसिल स्केल से जब भी रे डायग्राम बनाना हो तो प्लीज पेंसिल स्केल यूज कीजिएगा, ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, ठीक है। लाइट रे इंसिडेंट हुई इस तरह से और आफ्टर रिफ्लेक्शन इस तरह से डाइवर्ज हो जाएगी, बैकवर्ड एक्सटेंड करेंगे तो इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब इसके बाद हम बनाते हैं कॉनकेव मिरर। लाइट रे इंसिडेंट हो रही है फार ऑफ ऑब्जेक्ट से, मतलब पैरेलल लाइट रे शो करेंगे। जब भी लाइट रे, जब भी इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होता है तो हम उनको इंसिडेंट रेस को कैसे शो करते हैं, पैरेलल लाइट रे से, ठीक है। तो अब कॉनकेव मिरर का हम बना रहे हैं। कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है, वो लाइट रेस को कन्वर्ज कर देगा फोकस पे, ठीक है। तो लाइट रे ये इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास हो रही है, दूसरी लाइट रे इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हो रही है। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड रे डायग्राम।